नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव एस्ट्रो। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है चुनाव कौन जीतता है, चुनाव में कौन हार जाता है, कौन आदमी नेता बनता है, कौन आदमी मंत्री बनता है। कुल मिला के मेरा चुनाव से संबंधित और इसी के ऊपर YouTube चैनल का यह प्रोग्राम है। मैं बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर जिस आदमी के शुक्र और बुध बैठा होता है उसे हम लोग कला निधि योग भी बोलते हैं, साथ में हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। ऐसे आदमी ज्यादा सफल होते हैं जन प्रतिनिधि कार्यों के लिए। आप 50% से अधिक लोगों के कुंडली में देखेंगे, नेता लोगों के, राजनेता के, कि उनके कुंडली में शुक्र बुध के साथ है और लग्नेश का मित्र है या लग्न के लिए शुभ है या भाग्य में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, पंचमेश पंचम के साथ उसकी युक्ति अच्छी है, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जिनके जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग हो, यानी बुध सूर्य के साथ हो, वो भी राज्य मंत्री बनते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, उनका देखा गया है। गज केसरी योग वाले, बृहस्पति और चंद्र की युक्ति वाले लोग भी राजनीति में बहुत सफल हैं और राज भोगते हैं, राजयोग होती है उनकी कुंडली में। बस इसमें ये देखना होता है कि लग्नेश का शत्रु तो नहीं है। इसके अलावा नॉमिनेशन के टाइम में नेता जिस मुहूर्त में अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं इसको भी ध्यान में रखा जाता है। विजय का एक मुहूर्त होती है, विजय मुहूर्त में यदि कोई कार्य किया जाए तो सफलता की गारंटी ज्यादा होती है। इसके अलावा सूर्य यदि बलिष्ठ है तो आदमी मंत्रिमंडल की तरफ जाता है, उसे सत्ता मिलती है। कई ऐसे नेता हैं, नेता तो बन जाते हैं लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाते या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाते, ऐसी कुंडली में कई लोगों के देखने को मिली है। नरेंद्र मोदी जी की ही कुंडली को देखा जाए तो उसकी जो ग्रह दशा है उनको विश्व के सर्वोच्च शिखर पर बैठाने का काम करता है और आज वो विश्व के नेता हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है। आप किसी भी बढ़िया नेता की कुंडली देखिए, गज केसरी योग होगा, बुध आदित्य होगा, इस तरह के कई बढ़िया योग होती है, लक्ष्मी नारायण योग होती है, कला निधि योग होती है, ऐसे लोग सफल होते हैं। दशम भाव में यदि सूर्य हो और अच्छा हो तो भी शनि न्यायाधीश बनाता है, शनि राजा भी बनाता है, शनि रंक भी बनाता है, शनि आपके लग्नेश का शत्रु है, मृत्यु है, मृत्यु घर में बैठा है या बाधक ग्रह है या वो रोग शत्रु घर का है या टफ कंपटीशन दे रहा है, द्वादश भाव का स्वामी है या द्वादश भाव में बैठा है, उसकी युक्ति भी देखी जाती है। तो इसलिए चुनाव में खड़े होने से पहले किसी ज्योतिषाचार्य से, किसी बढ़िया एक्सपर्ट कुंडली के जानकार से अपनी कुंडली जरूर खंगाल लें, अन्यथा व्यर्थ का आपका पैसा वेस्ट होगा। नेतागिरी के चक्कर में बहुत लोग चुनाव खड़ा होते हैं, एक पोस्ट होती है, देखा गया है कि 20, 25, 10, 15 अधिक से अधिक भी लोग उसमें खड़े हो जाते हैं जबकि सफलता एक की ही मिलती है। तो आपकी जन्म कुंडली में सफल होने का योग कितना है उस हिसाब से आप आगे को प्रोसीड करें। मेरा सिर्फ ये कहना है YouTube चैनल के माध्यम से कि वेस्टेज ऑफ मनी को रोकें, आप परेशान न हो, आप अपनी कुंडली खंगालिए, उसमें अच्छा योग है तो आप काम करें, अच्छा योग न है तो आप कृपया चुनाव जीतने का सपना देखना छोड़ दें। चुनाव जीतने के लिए यदि आपका शुक्र वैभव विलासता भोग देता है, कमजोर है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, आपका एस्ट्रोलॉजर आपको सही गाइडलाइंस देगा कि आपको क्या करना है। राहु भी बलिष्ठ होना चाहिए या राहु भी कारक होना चाहिए या राहु भी सपोर्ट में होना चाहिए, बलशीलता, ये सारी चीजें राहु की देन है। चुनाव जीतने के लिए राहु का होना भी जरूरी है,
और विशेषकर इस कलयुग में, इस डेमोक्रेसी में और आज की समाज की जो स्थिति है उसमें राहु का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी जमाने में चयन किया जाता था, आज चयन की प्रक्रिया किसी दूसरे तरफ से है। आज चयन होने के लिए बहुत भयंकर रूप से गुजरना पड़ता है, बहुत टफ कंपटीशन होती है, इसलिए कुंडली में आप उसको देखिए क्या करना चाहिए। अगर आपका लग्नेश वीक है लग्नेश बढ़ा दीजिए, पंचमेश कमजोर है पंचमेश बढ़ाइए, भाग्येश कमजोर है भाग्य को बढ़ाइए, लाभ घर के माली बाधक तो नहीं बन रहे हैं ये भी देखना है, आपकी जो स्थिति महादशा की है अंतरदशा की है गोचर की दृष्टि जो है योगनी दशाएं हैं वो सब कितनी फेवर में है, इन सब का कंक्लूजन करके तब ज्योतिषाचार्य आपको ओके करते हैं कि हाँ जाइए चुनाव जीतिए और चुनाव के लिए जाइए। अब रहती है कि 100% चुनाव में यही विजय होंगे, इसमें थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितनी कुंडली आपकी मजबूत है हो सकता है कि सामने वाले की भी कुंडली आपसे ज्यादा मजबूत हो, ऐसी भी स्थिति आती है। तो जहां तक है कुंडली को ढंग से खंगालिए, कुंडली में बताए हुए इस तरह के उपाय कीजिए, गजकेसरी योग की तरफ चलें, उसमें कोई कमी है उसे सही कर दें, बुध आदित्य योग में कोई कमी है उसको सही करें, शुक्र को बलिष्ठ करें, शनि आपके फेवर में होना चाहिए, सूर्य फेवर में होना चाहिए, राहु फेवर में होना चाहिए और साहस का कारक मंगल भी होना चाहिए। इस तरह से ये सारे ग्रह यदि फेवर में है प्लस आपके मन के कारक चंद्रमा भी ठीक हो, चंद्रमा की स्थिति क्षीण न हो, चंद्रमा आपका फेवर ले रहा हो, ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि वो आदमी 99% चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में अच्छे योग बन जाते हैं और वो अपने एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से जो बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं, उपाय करते हैं, तो चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइंस है, लेकिन ज्योतिष में जो बताए गए हैं वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। हर आदमी मंत्री नहीं हो सकता, हर आदमी नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, इसलिए अपने भाग्य की दशा को देखिए, नवम भाव को देखिए, लग्न कुंडली को देखिए कि आपके भाग्य में लिखा क्या है, गोचर में चंद्र कुंडली चेक कीजिए गोचर में क्या है। ये सारी स्थिति को देखने के बाद ये होता है कि हाँ जी हम चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है और हम उसके हिसाब से चलते हैं। आज के कार्यक्रम मैं यहीं पर विराम देता हूं, तब तक अगले वीडियो तक आप मेरा इंतजार कीजिएगा, इससे भी बढ़िया और अच्छा वीडियो मैं लेके आऊंगा, तब तक के लिए मैं विदा हो रहा हूं, नमस्कार।